हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज यूके के बारे में हम स्पेशली बात करेंगे। यूके ने भी पीएसडब्ल्यू लॉन्च कर दिया आपके लिए। 2 साल का पीएसडब्ल्यू आपको मिलेगा अगर आप एजुकेशन वीजा पे जाते हैं। साथ ही साथ जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में आपको दिख रहा है, कई सारे बेनिफिट्स आने वाले हैं। उन बेनिफिट्स के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड कि यूके में क्या क्या अभी सिनारियो चल रहा है और कौन से इंटेक्स आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूके में अब जनवरी इंटेक लगभग क्लोज हो चुका है, तो आने वाले टाइम पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मास्टर्स के कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको मई इनटेक में अभी एडमिशन दे रही है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्ब्रिया है, वेस्ट लंदन यूनिवर्सिटी है, कम्ब्रिया यूनिवर्सिटी है, ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिफरेंट कोर्सेज विद प्लेसमेंट मई इनटेक के अंदर आपको दे रही हैं। डिटेल्स लेने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कोर्सेज हैं, उसके लिए आप एप्लीकेशन 01@meridian.org या info@meridian.org पे भेज सकते हैं आपके क्वेश्चंस साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको रेलेवेंट कोर्स मई इनटेक में जो पॉसिबल है उसके बारे में आपको गाइडेंस मिल जाए। अब हम बात करते हैं बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के वापस आने से इंडियन स्टूडेंट्स को या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब 2009 के अंदर लेबर पार्टी आई थी, तब से लेके 2011-12 के अंदर इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है आपका बिल्कुल बंद कर दिया था। लेबर पार्टी का बेसिकली एजेंडा यही है कि ईयू या ब्रिटिश लोगों को ही बेनिफिट मिले, इमिग्रेशन कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। लेकिन वही कंजर्वेटिव पार्टी के थॉट्स इस चीज़ पे अलग हैं। वो चाहते हैं कि ईयू से इमिग्रेशन आए, लेकिन वो स्किल्ड इमिग्रेशन आए, और अगर बाहर से भी जो इमिग्रेंट्स आना चाहते हैं वो भी आए, और वो भी स्किल्ड लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट करें, रादर देन कि आप यूरोप से हैं और आ जाएं। तो अभी इसकी तरफ चलते हुए बोरिस जॉनसन नए स्टेप्स जो ले रहे हैं वो ये है कि एक तो पहली चीज़ पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने भी अपने कॉमेंट में या अपनी स्पीच में बताया था दैट वी विल सून इंट्रोड्यूस न्यू पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन सिस्टम इन यूके एज इम्प्लीमेंटेड बाय ऑस्ट्रेलिया फ्यू ईयर्स अगो। जैसा का ऑस्ट्रेलिया में भी इमिग्रेशन सिस्टम है, वैसा का वैसा ही यूके भी लेके आने वाला है। तो आप मई इनटेक में अपनी एप्लीकेशंस कीजिए। विदाउट आईएलटीएस सभी वीज़ा आ रहे हैं, सभी बच्चों के करीब करीब वीज़ा आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपको एम्बेसी में देने पड़ रहे हैं। 5-7% स्टूडेंट्स के अभी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके फिर ही वीज़ा फाइल करने आप जाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच।